तो चलिए चलते हैं आज पेंसिल की जर्नी पे। पेंसिल ये जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से पेंसिल से इंस्पायर्ड है, और ये वर्ड लैटिन के पेंसिलियस वर्ड से इंस्पायर्ड है जिसका मतलब है लिटिल टेल। इसकी जर्नी की बात करते हैं तो वो ग्रेफाइट से शुरू होती है। 1565 से इंग्लैंड में मिलता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो पहले यूज़ होता था वो किसी स्ट्रिंग या सीप की स्किन में के अंदर यूज़ किया जाता जिससे स्टेबिलिटी बनी रहे। और ये सबसे ओल्डेस्ट पेंसिल थी और ये पहले स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज हुए हैं। पहले ही हमारी पेंसिल एक गोल आकार में नहीं आ गई थी। तो अगर मास प्रोड्यूस्ड पेंसिल की बात करें तो उसका जो बर्थ प्लेस है वो जर्मनी है 1662 में। और उसके बाद आते हैं ग्रेफाइट पाउडर पे, वो भी 1662 में मिला था बट वो इटली में मिला था। उसके बाद 1761 में फैबर कास्टल इस्टेब्लिश होती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज आता है जब पोलस जैक्विस कॉन्टे डिस्कवर कर लेते हैं मेथड ऑफ मिक्सिंग। और उसके बाद ये इन्वेंट करते हैं 1795 में मॉडर्न पेंसिल। ये एक साइंटिस्ट रहते हैं और नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मी में सर्व करते रहते हैं उस वक्त। उससे पहले जो पेंसिल्स होती थी उन्हें ब्लैक लेड बोला जाता था। उसके बाद तो पेंसिल इतनी ट्रेंड हो चुकी होती है कि 19th सेंचुरी आने तक US में ही सिर्फ 2,40,000 ईच डे यूज़ होती है पेंसिल्स। अगर ग्रेफाइट वर्ड देखते हैं तो ये जो वर्ड है ये ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक के ग्रेफो वर्ड से ग्रेफाइट वर्ड बना है। पेंसिल का काफ़ी पुराना सफ़र रहा है पेंसिल को लेके, तो ये कुछ पेंसिल्स हैं उन सीरीज़ की पुराने समय की। तो उसके बाद कोहिनूर कंपनी जब आती है तो इन्होंने क्लेम किया रहता है कि और पेटेंट करा लिया रहता है कि इन्होंने HB डिजाइनेशन दी है। और काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है उस समय 19th सेंचुरी में भी इस पेंसिल की। HB, 6B, 4B, 2B ये हर तरह की डिजाइनेशन इन लोगों ने दी रहती है, ये इन लोगों का पेटेंट रहता है इसमें। फिर 20th सेंचुरी आने तक ये कंपनी एक ब्रांड बन चुकी होती है कोहिनूर, जिसने HB का अपना डिजाइनेशन पेटेंट कराया था। और फिर बारी आती है इरेजर पेंसिल्स की। फिर आते हैं 1858 में हाइमन लिपामन, तो ये पेटेंट करा लेते हैं इरेजर पेंसिल्स के लिए अपना, जिसे प्लक्स भी कहा जाता है। फिर आती है द येलो पेंसिल। इसके बारे में कई मिथ भी हैं पर जो मेन रीज़न है इसके येलो होने का वो था कि अमेरिकी कंपनी दिखाना चाहती थी कि उनकी पेंसिल जो है वो चाइनीज़ ग्रेफाइट से बनी है। उस समय बहुत अच्छा माना जाता था। अब आते हैं इंडिया के पेंसिल की हिस्ट्री। इसकी जो शुरुआत होती है वो बाबू भाई की कंपनी से होती है, मतलब हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंडर में कई कंपनियां आती हैं जैसे कि नटराज, अप्सरा, एनसिवो। और ये जो कंपनी है इसकी शुरुआत तीन लोगों ने की थी और 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर उससे पहले पूछें तो 1947 में आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने इसको एक्सपेंड करने की कोशिश की थी। अगर भारत में देखें तो हिंदुस्तान जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है जो पेंसिल का मैन्युफैक्चर करती है और कंपनियों को अपने अंडर रख के या उनसे मिलके। तो ये रही अभी तक की आपकी पेंसिल की एक जर्नी। और इस तरह की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू। जय हिंद।